नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। बदायूं में दातागंज कोतवाली क्षेत्र के परा मोहल्ले में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब एक एक्सयूवी कार के अंदर खेल खेल में तीन बच्चे गाड़ी के अंदर पहुंच गए और गाड़ी के अंदर पहुंचने के बाद गाड़ी का लॉक लग गया। गाड़ी का लॉक लगने के बाद एक बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई जबकि दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हरदोई में कल रात से गायब सदर एसडीएम के अर्थली राजेश के कोतवाली देहात क्षेत्र के पिहानी चुंगी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि घरेलू कलह के चलते आत्महत्या की गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, छानबीन की जा रही है। बाराबंकी में एडीओ पंचायत पत्नी की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वायता की हत्या में एडीओ पंचायत पति सहित पांच पर मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें पति, सास, बहन, बहनोई और देवर पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। एडीओ पंचायत और भाई गिरफ्तार हो गए हैं। रविवार सुबह घर में शव लटका हुआ मिला था। नगर कोतवाली क्षेत्र के पीर बटावन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बरेली के नवाबगंज के अंतर्गत जरीली गांव में दो दिन पहले पति पत्नी के विवाद में दो लोगों की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी और अन्य लोग छरे लगने से घायल हो गए थे, जिसमें थाना नवाबगंज के द्वारा तीन लोगों मंजर अली पुत्र जैकी हैदर, अजहर अली पुत्र जैकी हैदर और सरवर अली पुत्र जैकी हैदर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। मंजर अली और अजहर अली के पैर में गोली लगी है। मंजर अली से 12 बोर का तमंचा और अजहर और सरवर अली से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस मुठभेड़ थाना नवाबगंज के इनायतपुर नहर पुलिया के पास हुई। बाराबंकी में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की नाराजगी का असर दिखाई दे रहा है। सहायक अभियंता बाड़खंड ने घाघरा नदी पर बाढ़ से बचाव के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया था। समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने धीमी गति से चल रहे कार्य को लेकर नाराजगी जताई थी। कानपुर में दयानंद शिक्षण संस्थान के महामंत्री और प्रमुख शिक्षाविद नागेंद्र स्वरूप का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि हृदय गति रुक जाने से निधन हुआ। नागेंद्र स्वरूप के निधन से उनके शुभचिंतकों में शोक की लहर है। यूपी सहित कई प्रदेशों में उनके शिक्षण संस्थान थे। खुशामी में कड़ाधाम कोतवाली इलाके के सोरई बुजुर्ग के समीप बारातियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप सवार 21 लोग घायल हो गए हैं। चीख पुकार सुन मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएससी भेजा। चिकित्सकों ने सभी का इलाज शुरू करा दिया है। दुर्घटना में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं हादसे में घायल 19 लोगों को सीएससी में ही इलाज किया जा रहा है। सभी लोग बीती रात टांडा गांव से सौरई बुजुर्ग बारात में आए थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।